तो हेलो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने गोबर और एक चूल्हा। तो इससे गोबर से मैं ये गैस का चूल्हा जलाने वाला हूँ, और किस तरह जलाने वाला हूँ वीडियो को पूरी देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा देना। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पहले वाली वीडियो के अंदर 1000 व्यूज आ जाते हैं, तो मैं इसी वीडियो को बड़े रूप में बनाने वाला हूँ। तो आज मैं बनाने वाला हूँ, तो उसके ऊपर अच्छी व्यूज आए उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा गोबर लिया मैंने, ताकि बहुत ज़्यादा गैस बन सके और इस चूल्हे को हम जला सके। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। हमने किस तरह से इसको बनाने वाले हैं और किस किस की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो हमने एक बाल्टी ली, एक चूल्हा लिया, और उसके ढक्कन के अंदर कुछ इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया ताकि इसको। तो गाइस, हमने ये बाल्टी के ढक्कन के ऊपर कुछ इस कदर ये नलकी लगा दी है जुगाड़ करके। और ध्यान रखना इसके अंदर से गैस लीक ना हो सके, इसके लिए आपको अच्छी तरह से चिपका देना है इसको। मैंने इसको पहले वाइट टेप से और फिर ग्लू से चिपका दिया है अच्छी तरह से, और इधर से भी काफ़ी अच्छे से चिपका दिया ताकि हमारी गैस लीक ना हो सके। फिर हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा गोबर है उसको डाल देना है, और ये ढक्कन इसको कुछ इस कदर लगा देना है। तो हमारे पास ये जो गोबर है इसके अंदर हम पहले जितना गोबर लेंगे उतना ही में पानी लेना है। पानी लेने के बाद क्या करना है, हमको इसके अंदर से अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है, और फिर हमें क्या करना है, इस नली को कुछ इस कदर इसके लगा देना है। तो हम इसको लगा देते हैं और फिर आपको दिखाऊंगा और आगे किस तरह से हमें काम करना है। तो गाइस, इसको मैं पहले गोबर को अच्छी तरह से घोल लेता हूँ, फिर हम डालेंगे इस बाल्टी के अंदर। तो घोल लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी लेके आ जाता हूँ। तो गाइस, अब हम पानी लेके आ गए, तो इसको पहले इसके अंदर डाल देते हैं हम इस तरह से। तो गाइस, इसको ऊपर इसके तरह इसके अंदर डाल देना है आपको। तो गाइस, फिर मिलाना है हमें इसके अंदर पानी। जितना पानी मिलाया ध्यान रखना उतना ही गोबर होना चाहिए, और जितना गोबर हो उतना ही पानी होना चाहिए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं किसी की मदद से, कर देते हैं हम अच्छी तरह से। तो गाइस, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसको ऊपर से देख सकते हो इधर। और अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो ये ढक्कन बनाया था मैंने अच्छी तरह से उसको इस कदर इसको अच्छे से पैक कर देना ताकि गैस लीक ना हो उसके इसके अंदर से। वैसे हमने इसको अच्छी तरह से पैक कर दिया, और अब हमें रुकना है 7 दिन। 7 दिन से ज़्यादा भी रुको तो आपकी इच्छा, क्योंकि इसके अंदर जितना आप वेट करोगे उतना ही ज़्यादा गैस बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना, अब हमें 7 दिन तक रुकना है, और फिर उसके बाद दिखाने वाले हम आपको ये जादू। गाइस, आज पूरे हमें 7 दिन हो चुके हैं, अब हम इस गैस को चलाकर चेक करने वाले। ध्यान रखना कि ये आप सावधानी से करें, अपने घर करें, क्योंकि थोड़ी सी भी लीक होने पे ये ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी गैस बन चुकी है इसके अंदर। तो अब हम इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो गाइस, गैस के चूल्हे को स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। देख सकते हो ये जल रहा है। तो गाइस, जल रहा है क्योंकि ये गैस के आगे इस कदर होती है कि ये हमें दिखाई नहीं देती। तो आप देख सकते हो ये धुआं उठ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये गोबर से बनाई हुई गैस है, तो इसको हम यूज में ले सकते हैं, आपको बता दूं मैं। तो देख सकते हो आप, इसको मैं हटा के ट्राई करता हूँ एक बार। तो गाइस, देख सकते हो आप, और ये कागज भी जला के दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि यकीन हो जाइए कि ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो गाइस, ये देखिए। तो गाइस, आप देख सकते हो ये चूल्हा जल रहा है, मैंने आपको कागज जला के भी दिखा दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल वाला, उसको दबा देना, और वीडियो को लाइक कर देना। आपका भाई आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहेगा। तो गाइस, देख सकते हो ये पास से दिखा दूं मैं, थोड़े से छोट ले लेना इधर, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हो आप कहीं पे भी गैस की टंकी नहीं रखी हुई है, और साफ दिखाई दे रहा है कि हम
इस नली से दिखा रहे हैं, आपको पता चल जाए कि ये फेक वीडियो नहीं, इसलिए हमने कुछ इस कदर बनाया इस बाल्टी से, नहीं तो हम कुछ अलग तरीके से भी बना सकते हैं। और इसके अंदर हम ट्यूब का भी यूज ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बनाने के लिए। और अगर आप इसको बड़ी मात्रा बनाएं और बड़े तरीके से बनाएं तो हम इसके लिए वेस्ट के लिए कुछ साइड के अंदर निकाल सकते हैं, ताकि जो खराब गोबर बचे या को खाद के लिए गोबर बचे हम उसको साइड से निकाल सकें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, फिर से बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबा देना। आपका भाई आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहेगा।